यार सबसे बढ़िया चीज तो मैंने सबसे एंड में करी है। अरे यार, तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई पंपिंग सिमुलेटर की वीडियो में। मुझे पता है ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट हो चुका है, बट सॉरी गाइस, मैं एक ऑफिस एडिट मोड के बिल्ड के ऊपर काम कर रहा था कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप में, जिसकी वजह से मेरी वीडियो जो है वो काफी ज्यादा डिले हो चुकी है। और फाइनली ग्राइंड की भी बहुत जरूरत थी। आप देख सकते हो ये है मेरा गैस स्टेशन जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक अब काम कर रहा है। इधर आप देख सकते हो ईवी स्टेशंस, जहाँ से मेरे को ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज होकर मुझे उनका रेंट मिलता रहता है, एज वेल एज ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिक कार वॉशर्स, और सामने आप देख सकते हो पंपिंग स्टेशन जिनके लिए मेरे पास चार चार एम्प्लॉय हैं, एज वेल एज दो बॉडीगार्ड्स हैं मेरे को रोबर से बचाने के लिए। और वो सामने आप देख सकते हो वो है मैनेजर मेरे इस लग्जरी स्टोर की। तो भाई बाकी सब कुछ तो मैंने कर ही दिया था, और सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यस भाई, दिन की शुरुआत हमेशा एक अच्छे काम से होनी चाहिए जो कि है चैरिटी। वो मैंने कर दिया है और आप देख सकते हो फुली फंक्शनल है वो। मैम वहाँ पे क्लीनिंग का काम कर रही है, तो अब मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मार्केट भी फुली एक्सपेंड हो चुका है। और लास्ट एपिसोड में मैंने अपने दोस्त से बात की थी कि भाई मुझे एक पेट चाहिए एज वेल एज एक हाउस चाहिए। तो हाउस तो उसने सामने वाले जो भाई ऊपर चढ़ा दे मार दे मुझको। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने अपने दोस्त से बात की थी और सामने वाला ये जो हाउस है ये मेरे को काफ़ी पसंद आया था, तो मेरे दोस्त ने इसका रेंट भी कम करा दिया है। ये $5 लाख का था बट मेरे दोस्त ने $3 लाख का करा दिया है ये, इसके ओनर से बात करके। एज वेल एज मेरे जो पेट है वो मुझे मेरा दोस्त देगा पूरे $1 लाख का। अब आप सोच रहे हो भाई $1 लाख का कोई पेट थोड़ी होता है, बट भाई वो बहुत ही बढ़िया ब्रीड का और बहुत ही क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है मेरा दोस्त। तो फटाफट ये देख सकते हो, आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने इस गेम में ये अपना घर खरीद के आपको दिखाया है, तो आई थिंक मैं पहला हूँ। आप ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने इस घर का इंटीरियर इस वीडियो से पहले देखा था या नहीं। तो फटाफट से चलते हैं, $3 लाख पेमेंट करते हैं। और भाई घर मैंने खरीद लिया है, अब ये घर हो चुका है अपना, जहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रहूँगा। अब इन लोगों को भी दूर दूर से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग भी जब चाहे जब रेस्ट करने आ सकते हैं। और फाइनली घर के अंदर चलते हैं भाई, लिटरली जो सेटिस्फेक्शन हो रही है ना, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ जब गेम की जब अनलॉक करते हो और वो भी लास्ट फेज में, क्योंकि ये एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पे वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हो। और कोई गेट जो आई थिंक वो असेस नहीं किया जा सकता, बट इट्स ओके भाई, एक प्रॉपर किचन भी दे रखा है भाई। इंटीरियर घर का बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया इंटीरियर है। और आप देख सकते हो घर में जैसे ही आप एंटर करते हो, ये आपका मेन डोर, आप सामने जा सकते हो, ये आपका हॉल, और ऊपर अगर आप जाओगे तो ये है आपकी स्टेयर्स। ऊपर चलते हैं अब थोड़ा सा भाई, आप सामने नज़र भी रख सकते हो कि आपको कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, किस चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो वो चीज़ भी आप चेक कर सकते हो। और ये है आपका सामने वॉशिंग एरिया, और आई थिंक ये वार्डरोब एरिया भी है, यहाँ पर आप अपने वॉशरूम भी है। तो यहाँ पर आप आराम से भाई, पूरा बाथटब वगैरह का पूरा सिस्टम है, बट फंक्शनल नहीं है, इट्स ओके। बट यार इतने से गेम में इतना सब कुछ होना ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। आई थिंक पीजी वर्जन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप अपना घर बाय कर सकते हो, उसमें इतना सब कुछ इंटीरियर होगा भाई, काफ़ी लग्जरी हाउस है। $3 लाख आई थिंक वर्थ इट है इस घर के। और यहाँ पर आप अपने आराम से ये देख सकते हो, आप टॉवल वगैरह चेंज कर सकते हो और कपड़े वगैरह रख सकते हो इन वार्डरोब्स में, और अपना नहाकर आप वापस जा सकते हो, आप अपने कपड़े जो है वो धो सकते हो, वॉशिंग पाउडर वगैरह, वॉश बेसिन। ऊपर के एरिया में ये तो बेडरूम तो रह गया भाई, कितना बढ़िया लग रहा भाई, लिटरली यू कैन नॉट स्लीप बिफोर 12 at night। तो आप देख सकते हो अब मैं यहाँ पर आकर सो सकता हूँ। अब मुझे वो जो पीछे वाला जो कमरा है उसको मैं स्टोरेज एरिया बना दूंगा, मीन्स ताकि मेरे को ना एकदम से रश ना करना पड़े कि मेरे पास चीज़ें ख़त्म हो रही है, आउट ऑफ स्टॉक जा रही हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा जो स्टफ़ है वो मैं वापस स्टोर कर सकता हूँ। थीफ आ चुका है, वो तो अपने बॉडीगार्ड संभाल लेंगे, और भाई ये पीट के भगा दिया उसको, यही लाएगा भाई वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वार्डरोब्स हैं, शेल्स हैं, यहाँ पर मैं अपना सामान रख सकता हूँ। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपने देख ही लिया था, ये है मेरा हॉल, और भाई डाइनिंग एरिया प्रॉपरली
और यहाँ पर आप ठंड में थोड़ा सा चिमनी वगैरह लगी हुई है तो आप हाथ सेक सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। बुक शेल्फ है, आप बुक्स पढ़ सकते हो। एक लग्जरी किचन आपको देखने को मिलता है, वो भी चिमनी वगैरह के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। $3 लाख वर्थ इट है। अब मैं सो जाता हूँ और मेरे एम्प्लॉयज़ काम करते रहेंगे, वो शिफ्ट्स में काम करते तो वो अपने आप आगे सो जाएंगे, तो मैं फटाफट से आई थिंक सो जाता हूँ। नहीं यार, 24 से पहले नहीं सो सकते, तो मैं अपने दोस्त से बात करके मिलता हूँ गाइस आपको। भाई घर के अंदर भी बारिश हो रही है भाई, पैसा डूब गया मेरा, लॉस हो गया भाई। घर के अंदर बारिश हो रही है यार, ये तो मैंने नोटिस किया ही नहीं भाई। हर जगह देख रहे हो, मतलब खुले में ना सकते, कोई बाथ टब की तो ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई नीचे वाले फ्लोर पे भी देख सकते हो आप, नीचे वाले फ्लोर पे बारिश हो रही है भाई, कोई नॉनसेंस। चलो भाई सोते फटाफट। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं फाइनली आ चुका हूँ पेट शॉप पर। मेरे दोस्त ने इसका एड्रेस मेरे पास भेज दिया था और मैं सीधा वहाँ पहुँच चुका हूँ। और आप प्राइस देख सकते हो $1 लाख, तो फटाफट से पेमेंट करते हैं। बाय, अगर देख सकते हो आप स्क्रीन पर एक डॉग का साइन बनकर आ रहा है। नेक्स्ट सी, वाओ भाई विसल कर रहा है, आई थिंक वो कहीं से भागा हुआ आएगा। लेट सी कहां से आता है, यहाँ पे पीछे पेट हाउस है क्या, इसमें है? नहीं भाई इसमें तो नहीं है। ओ भाई आ गया यार, कितना प्यारा लग रहा है भाई। फीड कर देते हैं, आप फीड कर सकते हो भाई, वाटर दे सकते हो आप भाई, आप प्यार भी कर सकते हो भाई। क्या प्यारी चीज है भाई इस गेम की भाई, लिटरली यार सबसे बढ़िया चीज तो मैंने सबसे एंड में करी है। अरे यार फ्री टू सिट एंड वेट, ये देख सकते हो भाई, आप कमांड भी दे सकते हो, आप जहां भी घूमोगे ये आपके साथ घूमेगा, मींस आपकी तरफ ये फेस को करता जाएगा, फ्री टू मूव, अभी आराम से घूमता रहेगा। और अब थोड़ा सा इससे दूर चलते हैं, ये देखो उसे सिग्नल मिल गया और वो भागा हुआ आ रहा है भाई, क्या प्यारा लग रहा है भाई, लिटरली क्या प्यारा लग रहा है भाई। फॉलो मी, तो अभी मेरे पीछे आता रहेगा यार, कितना बढ़िया है भाई। गाड़ी चढ़ा देते अभी ये तो उसके ऊपर, अंधे हैं भाई लिटरली, NPC कभी कभी ना अंधो जैसा बर्ताव करते भाई, इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। जा बैठ जा भाई, तो बैठ जाता है, बैठ जाता आराम से, और पहले इसको खाना खिला देते हैं, पानी पी ले भाई। हाँ फ्री टू मूव, जा घूम ले भाई तू, इधर आया हमारे पास बैठ यार, तू मेरा दोस्त है यार, तू आराम से लेट, धूप से ठंड वैसे ही बहुत हो रही है, तू धूप से आराम से। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप कोई चाहते हो कि मैं कोई गेम खेलूं आपके सजेशन का, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। आप कोई चैलेंज देना चाहते हो कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप से, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, एक खतरनाक सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। भाई कितना प्यारा लग रहा है यार ये $4 लाख की जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो भाई वेस्ट तो नहीं गई भाई। यही था इस सीरीज का लास्ट एपिसोड, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन देन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।